शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कि अंदर नहीं बुलाएंगा है? सॉरी प्लीज। मैनू ना ते लगी है, प्यास लगी हुई है, होने देना। सॉरी सॉरी सॉरी। यही सरप्राइज है तो वाड़ा? सरप्राइज तुसी ठीक हो ना? मन लगता ठीक हो जाएगा छेती। पिंकी, मैनू यकीन नहीं हो रहा कि तुसी मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही साड़ी सोशल मीडिया ते दोस्ती हुई सी और आज तुसी मेरे सामने बैठे हो। मैं कदे सोचा नहीं सी कि इस उम्र में कोई मैनू प्यार करूँगा। मेरा मतलब तुहाड़ी उम्र बहुत छोटी है मेरे तो। उम्र ते बस नंबरां दा खेड है, उम्रां च की रख्या है ते नाले प्यार करन दी कोई उम्र नहीं हुंदी। ते वैसे भी प्यार कितना नहीं जांदा, हो जांदा है। थोड़ा डांस करिए। विराज, तू ता दो दिन बाद आने वाले सी ना, अपने फ्रेंड्स नाल बाहर गया सी। प्लान कैंसल। पर तुसी ये गल दी इन्नी टेंशन क्यों ले रहे हो पापा? मत्थे दा पसीना साफ कर लो। गर्मी बहुत है ना, इस करके पसीने आ रहे ने। की होया, कौन है? मेरा पुत आ गया विराज। I'm sorry। कोई गल नहीं, मैं चल दिया। तेन छड़ देना। चंगा होया विराज ने वेख्या नहीं तो पता नहीं की सोचता मेरे बारे। जल्दी तुसी मम्मी नू पुलाता पापा, बहुत जल्दी। सॉरी कल राती तेनु इन्नी छेती घर तो जाना पया। थैंक यू पिंकी, मेरे हालातों ने समझण लई।
तू आ। तारीफ क्या करा ओदी जिन्हें एनू बनाया। की भूल हुई साडे को कि खुदा ने एना नू तोड़े ना मिलाया। बीरे एदा नाम की है एदा? पिंकी। पिंकी? हाँ, कुछ दिन पहले ही सोशल साइट ते फ्रेंडशिप हुई सी। सोशल साइट की गल मेरे शेर? हाँ, तू तो यार गुरु तो भी अग्गे निकल गया। सोशल साइट ते लड़कियां ना दोस्ती करना मैं तेनू सिखाया, लेकिन मेरी इन्नी सोहनी कुड़ी ना दोस्ती कदी नहीं हुई। जल रहे मेरे तो? हाँ हो रही है। पर मेरे दोस्त उस तो कई गुना ज्यादा खुशी भी हो रही है। भाभी जी तो बाद कोई तो है तेरी जिंदगी दे विच? हाँ, पर जे गल किसी नु दसना नहीं प्लीज। राजीव, बंद मुठी लक दी खुलगी ते कख दी, तू चिंता छड़, ए गल मरदे दम तक मेरे तक ही रहेगी। थैंक यू यारा, तू जानदा है ना कुछ रिश्ता दी नुमाइश नहीं कीती जांदी, उन्हां नु बस निभाया जांदा है। पापा, मेरे अकाउंट च 50,000 ट्रांसफर कर दो, मैनू क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। 50,000? तू करदा की इन्ना पैसा दे विराज, और कदों तक अपने प्यो की दौलत ते अयाशी करनी है? कदे खुद भी कमाण बारे सोचा है? इन्ना वड्डा बिजनेस खड़ा किया मैं, मेरी उम्र हो ही जाती है, इस गल का एहसास है तेनू? उम्र? उम्र थोड़ी कितने हुई है पापा? उम्र तो मेरी माँ दी हो रही सी, इस करके जल्दी मर गई। नी आखिरी सांह तक वो सिर्फ थोनू देखना चाहती सी, पर तोड़े ले मेरी माँ तो ज़्यादा बिजनेस टूर इंपॉर्टेंट सी। मेरी खुशियाँ मेरी दुनिया सी मेरी माँ, वो सिर्फ तोड़ा वक्त चाहती सी पापा, ते थोनू सिर्फ पैसा। इस गाम चो वो बीमार हो गई थे, मैनू कला छड़ के मर गई। तेनू कला छड़ के चली गई? बीवी सी ओ मेरी विराज, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता सीगा। पापा, तुसी उन्हानु पोल चुके हो, जदो माँ जिंदा सी तुसी उन्हानु वक्त नहीं दिता, ते आज जदो मर चुकी है। विराज, विराज खड़ जा। वेख्या तू, वेख्या किवे गल करदा अपने प्यो तो। जदो तो इसकी मां मरी है, एक सेकंड दे ले भी मेरे नाल नहीं बया, मेरे नाल गल नहीं कीती, मेरे तो कदे आख्या भी नहीं। पापा तुसी कीवे हो, कदे भी मेरी फीलिंग समझण की कोशिश नहीं कीती, इस करके मैं पिंकी दे इन्ने क्लोज आ गया हनी। मैं जानता हूं उम्र तो मेरे तो बहुत छोटी है, पर मैं की करा, वो मेरी फीलिंग नू समझती है जी, ये नहीं समझदा है। हौसला रख तू। ओहो, किन्नी सोहनी लगती पई है तू पिंकी, तेरे उत्ते तो कोई फिदा हो जाऊगा, ते राजीव शर्मा तेरा सत्तवां शिकार बनूंगा। मैं कदे तो वेट कर रहा सी तेरी वीडियो कॉल दा। सॉरी, ओ थोड़ा टेंशन विच सी। हुण तैनू टेंशन लेण दी लोड़ नहीं है, ठीक है? तेरी सारी टेंशन हुण मेरी है। हुण दस। कुछ नहीं, सुनो आज मैं तुहानू अपनी मम्मा नाल मिलाऊंगी। सत श्री अकाल। सॉरी राजीव, माँ तानू सत श्री अकाल नहीं कह सकती, वो 2 साल पहला बाइक एक्सीडेंट चे, कार एक्सीडेंट चे डैडी चले गए थे, मम्मा हमेशा लिए पैरलिस्ट। बेचारी मम्मा चंगी तरह गल लग के अपने घर वाले ना रो भी नहीं सकी, कहने वास्ते जिंदा है सिर्फ लाश वांगू। सॉरी, मैं भी तानू एवं इमोशनल खाम खा करता। मेरे नाल नहीं करेगी तो किहदे नाल करेगी, और कोई हैगा मेरे अलावा? कल तक तो कोई नहीं सी, पर तुहानू मिलने तो बाद एहसास होने लग पिया कि मेरा कोई हैगा है। थैंक यू सो मच इस फीलिंग दे लई। चल हुण जल्दी मैनू दस प्रॉब्लम की है, जे तू सच्ची मैनू अपना मानदी है तो मैनू प्रॉब्लम दस।
ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਲੱਭਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰਹੇਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਰਾਜੀਵ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਉਸਨੂੰ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਔਰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂ। ਪਿੰਕੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਬੇਝਿਜਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜੇ ਹੰਝੂ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਰਾਜੀਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋ। ਖੈਰ ਛੱਡ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿੰਕੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਦਿਲਾ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ। ਚੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ। ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ, ਆਜ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਜੇ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਜੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਰਾਜ। ਹੈਲੋ ਵਿਰਾਜ। ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਓ ਮਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ।
ਉਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਅਨਿਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਫਿਸ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ? ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ। ਪਿੰਕੀ, ਮਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਆ ਓਨਾ ਕਰ, ਬਿਤਰ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੀਲ ਆਦਮੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਤੂੰ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਹਵਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਸਾਲਾ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ, ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ ਜੇ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ ਦਫਾਓ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ? ਲਿਆ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨਿਲ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਅਰੇ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ। ਪਿੰਕੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡਰ? ਜਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਡਰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਡਰ। ਸਮਾਜ, ਉਮਰ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ਯ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ? ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ,
मैं भी तुहाडे बिना नहीं रह सकती। ठीक है तां फिर असि ब्याह करके इन्नी दूर चले जावांगे कि कोई सानू लभ ना सके। पिंकी, पिंकी, पिंकी कितने चली गई सवेरे सवेरे? पिंकी 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 पिंक पिंकी 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 का फोन भी बंद आ रहा पर अचानक अपनी मां नू व्हीलचेयर दे बगैर कित्थे लेके जा सकती है? की हो गया पापा, तुसी परेशान लग दे हो? नहीं कुछ नहीं, ठीक है मैं, तू जा। पापा थोड़ी जुबान झूठ बोल सकती है पर थोड़ी अखां साफ साफ कह रही है थोड़े नाल कुछ गलत होया है। तैनू एक बार च गल समझ नहीं आती, बार बार दसना जरूरी है? दसा ना कुछ भी नहीं होया, बिजनेस की टेंशन है, हुण दस की करेगा? मैं भी देखदा पापा तुसी कदों तक मेरे नाल झूठ बोलदे हो। हे प्रभु, शिकार अपने जाल च फस गया। शाबाश, एक कोई झटके च काम कर दिता तुसी दोनों ने। ठरकी बुड्ढा मेरे नाल ब्याह करना चाहुंदा सी। हुण बिना बेटी दी ती मैं दहेज दे पैसे वसूल करांगे। बिना ब्याह दा बैंड बजा दिता उसदा, बहुत ही कमीनी चीज हो तुसी दोवे। बुरा ना मन्ने ओ अनिल बाबू, कमीने पंच थोड़े च थोड़ा कम ही हाँ। मैं एक गल दसो, तुसी साडे जाल च अपने दोस्त नू क्यों फसाया? क्योंकि मैं ओदे कोलो बदला लेना चाहुंदा सी, ओदी हर जरूरत दे वेले। ना मैं दिन देखिया ना रात देखी, हमेशा ओदे लई हाजिर रहा। कि उस दिन यार अजीब यार, तू मैनू 1,00,000 रुपये दे सकदा? ओ पापा जी ने पिंड च पूजा रखी है, ओहदे लई जरूर सी। यार तुहाडे वर्गे लोकां दी ना इही प्रॉब्लम है, जेब च पैसे होंदे नहीं और चल पड़दे वड्डे वड्डे काम करन दे लई। पूजा करवाउणी है, ऐ करवाना है, फलाना करवाना है, टिमकाना करवाउणा है, और किसने दस्या है? हां जब तेरे कोल पैसे है नहीं तो कादे लई करवा रहे पूजा? तू सही कह रहा राजीव, पापा जी ने कमिट कर दिता यार। तो मैं ठेका चुकया तेरे प्यो दा? हाँ पापा ने कमिट कर दिता है, जिसनू भी वेखो मेरे तो पैसे मांगन आ जाते ने। हुण तू मेरे तो पैसे मांग रहा है, उधर मेरा बेटा रोज आ जाता मेरे तो पैसे मांगन लई। किस दे लई कमा रहा हाँ? तेरे वर्गे लोगों नू देण लई? भिखारी ना होए ता वेख, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे घर आ, खाना खा, तू दारू भी पी लै, मुफत ही दारू पी लपी,
ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਰੂ ਡਫ ਲੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਮਤ ਮੰਗਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ ਸਾਲਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਸਨੇ, ਹਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 1,00,000 ਦੇ ਬਦਲੇ 10,00,000 ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਿਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਾਂ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਅਨਿਲ ਬਾਬੂ, ਗੱਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, 5 ਤੇਰੇ ਤੇ 10 ਮੇਰੇ। ਚੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੈਠੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਨੂੰ? ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 1,50,000 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚੁਕਾਣੀ ਪਾਓ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਾਜੀਵ। ਅਨਿਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਫਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਮੀਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? 10 ਉਹਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਦੋ ਅਨਿਲ? ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਦਨਾਮ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀਵ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਰਾਜੀਵ ਕਿ ਤੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,50,000 ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ।
राजीव मैं हूं ही आया। हेलो। मेरा वीडियो भेजने का मतलब की है? मतलब तो साफ रहा अनिल बाबू, तुसी दूजिया ले गड्ढा खुदवाया, असी तो अनु भी उस गड्ढे च धकेलता। बकवास बंद कर अपनी तू। हुण ये बकवास बंद करन दे ले तो अनु भी अपने औकात दे हिसाब नाल 5 लाख होर देना होएगा, वरना मैं की कर सकदी हां तू चंगी तरह जानदा है। तू मेनू धोखा देंगी? अनिल बाबू इनू धोखा नहीं जैसे नु तैसा कहंदे आ, जदों तुसी अपने दोस्त ही नहीं होए तो असी कौन आ तुहाडे। देख तू इज्जत दे नाल मेरा वीडियो डिलीट कर दे वरना। इज्जत साडी किथे अनिल बाबू, इज्जत तो तुहाडे वड्डे लोकां दी हुंदी आ। ए इज्जत नु बचाण दे लई आज शाम 8 बजे तक तुसी पैसियां दा बंदोबस्त करके रखियो, वरना मैं ए वीडियो वायरल कर देनी आ। साडे तो मेहनत करवा के खुद 10 लाख रखना चाहता सी, जिंदगी भर याद रखूगा किदे नाल पाला पया सी। कानपुर दी एयर टिकट्स बुक हो गया ने मां, पैसे मिलदे ही असी फरार हो जांगे। वेरी गुड, फिर एक नया शहर, एक नया शिकार। राजीव मेरे भरा मेरे दोस्त, तू अपने 15 लाख रुपए तो दे ही रहा ना, ना नाल मैनू भी 5 लाख रुपए दे दे वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। की होया तेनू, पागल तो नहीं हो गया तू? पागल ही हो गया सी मैं, जो मां बेटी दे चंगुल च फस गया सी उन्होंने तेरे नाल नाल ते मेरा भी वीडियो बना लिया ते मेरे को भी 5 लाख रुपए। इसका मतलब तू उन्होंने पहला तो जानता सीगा? इसे करके तो बिंदु दे नाल छेड़खानी कर रहा सीगा ना? हाँ, बिंदु अपाहिज नहीं है, मां बेटियां दोनों लुटेरियां हैं, लोगों नू फसा के उन्हां कोलों पैसा हिट्टा उन्हां दा तंदा है। मेरी मत मारी गई थी राजीव। तैनू जैसा पहला तो पता सीगा, तू एक गल मैनू पहले क्यों नहीं दसी? धोखेबाज, बोल की मकसद सी तेरा, बोल बोल, नहीं तो तेरी जान ले लेनी है। छड्डो इनू बाबा छड्डो, ये ऐदा नहीं मनूगा। चल दस दस, ओए क्यों कीता तू ऐदा? छड़ यार, दस दा यार। मैं पिंकी नू तेनू अपने जाल विच फसाने लई किया सी, क्योंकि मैं जानता सी कि तू विराज दे हुंदे होए भी इस घर दे विच कल्ला है, तना है, ते तू इसी तनहाई दी वजह दे नाल तू पिंकी दी हर गल मान लेगा, ओनू अपना मनना लग जाएगा। पर इन सब दे पीछे तेरा की मकसद से? बदला। हाँ बदला राजीव, उस दिन मैं तेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए मंगे सी, पर तू मेरी इज्जत उतारती है राजीव, ते ओ गल मेरे मन नु छू गई, मेरे आत्म सम्मान नु छू गई, ते मैं अज तक ओ गल्लां नु भुल नहीं सकया राजीव। गद्दार, उस दिन नशे च पता नहीं मैं तेनू की कह दिता और तू बदला लैण दी सोच रहा सी, मेरे घर च दुश्मन पाल रखा सी मैं। बेटा माफ कर दे विराज, मैं इन्ना अकेला हो गया सी कि मैनू समझ नहीं आया कि कौन अपना है और कौन पराया। बस पापा, जो गलती थोड़े कोल होई है ओनू ठीक नहीं किया जा सकता, पर सानू हुण पुलिस नू इनफॉर्म करना चाहिए। विराज इदा दी गलती ना करी, वो बिंदु बहुत खतरनाक औरत है, ओनू थोड़ी जी भनक भी पैगी ना साडा वीडियो वायरल कर देगी, इज्जत मिट्टी च मिल जूगी। ऐदा कुछ नहीं होएगा, तू एक काम कर, बिंदु नू कॉल कर और उसनू 10 राती नू आके 20 लाख रुपए ले जी। 20 लाख राजीव,
इन्ना सब कुछ होने तो बाद भी राजीव तू मैनू बचाना चाहना, मैनू माफ कर दे यार, मेरे तो बहुत बड़ी भूल हो गई यार। पापा पर ये तो असं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना, ऐदा तो औरत नू क्राइम करन दा बढ़ावा मिलूगा ना पापा। हाले मैं कुछ भी नहीं सोच रहा विराज, हाले मैं अपने दोहां दे बारे सोच रहा कि करा, तू टेंशन ना ले। वेख गलती साढ़े दोहां दी है, जिसकी सज़ा भी सानू मिलनी चाहिए है, उसनू कह राति नू 8 बजे आके पैसे ले जाई। मानना पाऊगा तुसी मां बेटी बहुत चंगी एक्टिंग कर दे हो। मैं थोड़े मुंह अपनी तारीफ सुनन नहीं आई हां, माल लेन आई हां, और हां गलती नाल भी अपने दिमाग च ऐ गल ना लाइयो कि वीडियो डिलीट होने तो बाद तुसी मेरे अटैक करोगे, क्योंकि जे ऐदा होया तां 10 मिनट दे अंदर पिंकी तुसी दोनों दा वीडियो वायरल करके तुसी दोनों दा इज्जत नीलाम करके रख देगी। ऐदा कुछ भी नहीं होएगा। बेवकूफ ऐ की किता तू, इसनू जान तो मार दिता। राजीव मैं दी नसल नू चंगी तरह जानदा, ए साडे वीडियो कदी नहीं डिलीट करदी, सानू बार बार ब्लैकमेल करदी। ओए बेवकूफा जे घर नहीं पहुंची तो पिंकी वीडियो वायरल कर दूगी। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इत्थे आन तो पहला तू इत्थे कादे लई आया, निकल जा इत्थों। तू की किता, पिंकी नू भी मार दिता। काश मैं विराज दी गल सुन के पहला ही पुलिस नू सद देना सीगा, पर हुण तू नहीं बचूगा, हुण तां मैं पुलिस नू पक्का फोन करांगा। राजीव राजीव बेवकूफी ना कर, राजीव असी दोनों फस जावांगे। राजीव राजीव फोन दो, अरे फोन दो मुझे। अनिल छोड़, अनिल छोड़। ओ, 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 अनिल उसने बैकयार्ड दे जला दू। काश तेरी गल मैं पहले ही मान लेना और पुलिस नु सद लेना, तो जे सब देखना नहीं पैंदा। पापा मैनू एहसास से ऐदा कुछ हो सकता है, ताई मैं तोड़े मना करन तो बाद भी पहला ही पुलिस नू इन्फॉर्म करता सी। हेलो इंस्पेक्टर, मैं पापा ने इस वांगू परेशान नहीं देख सकता। अनिल आज तेरे बदले की आग ने किन्ने लोगों की जिंदगी खराब कर दी थी। तेरे परिवार की खुशियां, तेरी इंसानियत, माँ बेटी नू, आज तेरे बदले की भावना ने तेनू बर्बाद कर दिता। अवलदार ले चलो इनू, लास्ट नू पोस्टमार्टम ले भेजो। पापा आई एम सॉरी, इहदे च गलती मेरी भी है, मैं हमेशा तुहाडे कोल दूरिया बनाई रखी, बट आई प्रोमिस आज तो अपनी जिंदगी का न्यू चैप्टर शुरू करांगे पापा।